रेखा, फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम जिस पर उम्र ने असर करना शायद बंद कर दिया है। 10 अक्टूबर 1954 को जन्मी रेखा फिलहाल 64 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब भी दिखने में वो वैसी हैं कि उनकी उम्र को लेकर सब हैरान रहते हैं। लेकिन जिस तरह रेखा की जवानी का राज लोगों को हैरान करता है, उसी तरह रेखा की जिंदगी में मर्दों के साथ उनके रिलेशनशिप भी कम हैरानी की वजह नहीं थे। वैसे तो रेखा के अफेयर के दावे अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ होने की खबरें तक उड़ी, लेकिन ढलती उम्र में रेखा ने शादी की एक बिजनेसमैन से। इन बिजनेसमैन का नाम था मुकेश अग्रवाल, लेकिन रेखा से शादी के 7 महीने के भीतर ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर रेखा की शादी में ऐसा क्या हुआ था जो ये 1 साल भी नहीं टिक पाई? क्या रेखा की शादी टूटने के पीछे उनके लेस्बियन रिश्ते थे? तो चलिए अब ये दास्तान शुरू करते हैं। दरअसल रेखा बॉलीवुड में एक रहस्य का नाम है, और रेखा के इस कदर रहस्यमयी होने के पीछे कई वजहें भी हैं। 64 साल की रेखा बांद्रा की इस कोठी में अकेले रहती है, लेकिन बांस की बल्लियों से घिरा रेखा का ये घर भी कम रहस्यमयी नहीं है। आज तक उनके घर के अंदर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, रेखा के इस घर में किसी बाहरी गेस्ट की एंट्री भी नहीं होती। अगर रेखा को किसी से मिलना भी होता है तो रेखा उससे अपने घर के बाहर ही किसी पब्लिक प्लेस पर मिलती है। कुल मिलाकर रेखा के घर पर बाहरी लोगों के लिए रहस्य का एक पर्दा पड़ा है। लेकिन ये बात सिर्फ रेखा के घर की नहीं है, बल्कि रेखा की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ भी हमेशा रहस्य के घेरे में रही है। रेखा की सेक्रेटरी फरजाना पर भी कई तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं। वैसे फरजाना है तो महिला, लेकिन उनको देखने में वो मर्द होने का गुमान देती हैं। फिल्म जर्नलिस्ट मोहनदीप ने रेखा पर लिखी अपनी किताब यूरेखा में फरजाना और रेखा के बीच लेस्बियन रिश्ते होने का दावा किया है। अब ये दावे सच्चे हैं या झूठे, ये तो किताब के लेखक और रेखा ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी कहानियों से रेखा के आसपास रहस्य की कई और रेखाएं घिर जाती हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं रेखा के पहले और आखिरी पति मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की शादी के सिर्फ 7 महीने टिकने की और फिर मुकेश के अचानक खुदकुशी करने की। दरअसल रेखा और मुकेश की प्रेम कहानी बड़ी अजीबोगरीब थी। रेखा और मुकेश की शादी भी अचानक ही हुई। 1990 के दौर में मुंबई के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल और रेखा अचानक कुछ पार्टियों में मिले, और फिर ऐसी ही एक पार्टी में मुकेश ने रेखा को शादी के लिए अचानक प्रपोज कर दिया। रेखा ने भी अचानक से हाँ कर दी, और उसी शाम रेखा और मुकेश ने बाकायदा शादी भी कर ली। शादी के अगले ही दिन मुकेश और रेखा दोनों 48 घंटे के लिए मुंबई से गायब हो गए। बाद में पता चला कि दोनों बिना किसी को बताए हनीमून मनाने निकल गए थे। करीब 2 दिनों बाद रेखा और मुकेश वापस लौटकर मुंबई आए, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद रेखा को मुकेश के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें पता चल चुकी थीं। रेखा को पता चला था कि मुकेश डिप्रेशन का शिकार थे, और खुद को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए वो कई तरह की पिल्स भी लेते थे। इतना ही नहीं, अपने बिजनेस के बारे में भी मुकेश ने रेखा को जो कई बातें बताई थी उनमें से काफी बातें झूठी थी। इसके बाद रेखा और मुकेश के बीच शादी के फौरन बाद ही मन मुटाव भी शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद अपने माता पिता का मन रखने के लिए रेखा ने तिरुपति मंदिर में मुकेश अग्रवाल से दोबारा शादी की। लेकिन तिरुपति मंदिर में दोबारा शादी करते ही मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में जैसे एक नया तूफान आ गया। मुकेश को बिजनेस में अचानक से जबरदस्त घाटा होना शुरू हो गया। पहले से ही डिप्रेशन से जूझ रहे मुकेश शादी के बाद होने वाले घाटे से और चिड़चिड़े होने लगे। हालांकि इस कहानी में कई लोग एक दूसरा एंगल भी ढूंढते हैं।
दावा किया जाता है कि शादी के बाद जब मुकेश अग्रवाल को रेखा और फरजाना के रिश्तों के बारे में पता चला तो वो इसे कबूल ना कर सके। फरजाना रेखा की कोठी में उनके साथी रहती थी और वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। शादी के बाद भी रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह चाहे जो भी हो, मुकेश अग्रवाल का बिजनेस में बढ़ रहा घाटा या फिर फरजाना के साथ रेखा की करीबियां, हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुकेश और रेखा के झगड़े लगातार बढ़ने लगे। इसके बाद रेखा ने मुकेश से अलग होने का फैसला किया और वो मुकेश को तलाक देने के बारे में सोचने लगी। कहा जाता है कि रेखा से तलाक की बात मुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने फार्म हाउस में रेखा के ही दुपट्टे से लटककर अपनी जान दे दी। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त रेखा के पति की खुदकुशी को लेकर लोगों में रेखा के खिलाफ काफी गुस्सा था। कई जगहों पर रेखा की फिल्म के पोस्टर पर गोबर और कालिख पोती गई। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों का हमेशा ये आरोप रहा कि रेखा ने मुकेश को खुदकुशी के लिए उकसाया और मुकेश ने रेखा की वजह से ही अपनी जान ली। हालांकि रेखा के पति की मौत को लगभग 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इस कहानी में कई ऐसे पेंच हैं जो बॉलीवुड की सबसे छोटी शादीशुदा जिंदगी पर कई सवाल उठाते हैं। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में इस मुद्दे पर खुलकर अपने दिल की बात रख सकते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।